मेरी अपनी पसंद केटीबी ज्वेल पैलेस। केटीबी ज्वेल पैलेस की फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके पर मेगा ऑफर 30% दिया जा रहा है, वो भी वीए ऑन गोल्ड ज्वेलरी पर। दो दिलों का संगम, दो रिश्तों का संगम, संगम पैलेस, शोभा कांची सारी, संतोषी रायचूर, गांधी चौक रायचूर। नाजरीन आदाब एवं टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर की टिपू सुल्तान रोड और मछली बाजार रोड, ये दोनों सड़कें गुज़िश्ता कई सालों से तामीर के मराहिल से गुजर रही हैं। यहाँ की आवाम का ये सवाल था कि आखिर ये सड़कें कब बनेंगी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि इन दोनों की किस्मत संवरने वाली है और ये दोनों सड़कें बहुत जल्द ही बनने वाली हैं। दोनों सड़कों पर तेज़ी से काम जारी है, मछली बाजार रोड पर भी काम तेज़ी से जारी है, यहाँ पर कंक्रीट बिछाए जा रहे हैं और इसी तरह टुल्तान रोड पर भी काम जारी है। कल रात रुकन असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने इस सड़क का दौरा किया और आज सुबह भी इन्होंने आबिद सर्कल की तरफ की सड़क का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। रुकन असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल इस सड़क की जल्द से जल्द तामीर के लिए खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये सड़क रायचूर शहर की अहम सड़क है और साथ ही साथ मछली बाजार सड़क भी एक अहम सड़क है। इन दोनों सड़कों की जल्द तामीर के लिए मैंने गुत्तेदारों को सख्त तनबीह दी है, जिसके बाद ये काम तेज़ी से चल रहा है। इन्होंने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इस मौके पर कैमरा रवि जालदार के अलावा वार्ड नंबर 7 के अहमद बेग और मोहम्मद फारूक, जिन्हें लाल फारूक के नाम से भी जाना जाता है, उनके अलावा वार्ड नंबर 7 और 8 के मुख्तलिफ कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। दो साल से काम चल रहे थे, बहुत धीरे धीरे काम चल रहा था। 17 दिन के पहले मीटिंग करके ऑफिसर्स को वार्निंग दी थी, साहब और हमने बैठ के वार्निंग दी थी, जिसमें सुल्तान रोड और मच्छी बाजार रोड दोनों भी काम करने के लिए डायरेक्शन देने के बाद में आज डाम्बर मिट्टी डालने का काम शुरू हुआ है। बहुत जल्द ये एक अच्छा रोड बनने का सब उम्मीद है और क्वालिटी रोड डालना बोल के हमने इंजीनियर्स और कमिश्नर को इंस्ट्रक्शन दे दिए। उसी तरह से ये बहुत वाइडन भी हो गया जी सर, मिनिमम 45 फीट तो हो गया लगता मुझे। सभी रोड्स को लोग कोऑपरेट करें तो सब रोड्स अच्छा होंगे, वाइड भी होंगे, रायचूर डेवलप भी हो जाता, आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ जाता। अब सब छोटे छोटे रोड्स रहे तो प्रॉपर्टी को वैल्यू नहीं बढ़ता। बहुत कोऑपरेट करे, सब लोगों ने कोऑपरेट करके आज एक अच्छा एक मॉडर्न रोड बनने के लिए सब इसको हेल्प करके आज वो काम पूरा करने का सभी उम्मीद हो गई।